प्रदेश में बलात्कार पर कड़े कानून हैं, लेकिन बलात्कार के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आम लोगों को झकझोर देती है। आखिर इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए वो रिपोर्ट। अप्रैल 2022, दुष्कर्म के दो अलग अलग मामले। रांची सिविल कोर्ट ने 8 दोषियों को सजा सुनाई। सिविल कोर्ट ने इनमें से 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई और दूसरे मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये समाज के लिए एक संदेश है, लेकिन क्या फिर भी घटनाएं रुकी? इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या है? ये जागरूकता की आवश्यकता है, युवा वर्ग को सिखाना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, हिंदू धर्म में अगर आप जाएंगे तो अगर आपको शिक्षा चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, है ना, तो माँ काली की भी पूजा करते हैं, तो आप तो लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आप तो स्त्रियों को पूज रहे हैं। 15 अप्रैल की घटना को देख लीजिए, जो धुरुआ थाना क्षेत्र में घटी। दो महिलाओं के साथ 6 दरिंदों ने रेप किया, उसकी सहेली को बुलाकर भी रेप किया गया। दुर्भाग्य यह है कि इस घटना में एक महिला भी शामिल थी। पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया है। घटनाएं हो रही हैं, इन स्पाइट ऑफ डेट घटनाएं हो रही हैं। न्यायपालिका जो है इसमें त्वरित विचारण करके और दोषियों को हम लोग कठोर दंड दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आए दिन पॉस्को अदालतें जो हैं, जितनी भी राज्य में हैं, इंक्लूड झारखंड को, रांची को मिला के स्पीडी ट्रायल कर करके हम लोग अपराधियों को सजा दे रहे हैं। इन घटनाओं के पीछे जहां हमारी सोच हावी है, वहीं सोशल मीडिया भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि ऐसे सामाजिक वातावरण को तैयार किया जाए जो ऐसे घिनौनी मानसिकता से निजात दिला सके। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।